नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें RSAT एग्जाम संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, और इसमें ऐसे नए सभी प्रश्न हैं जो कि आप पहली बार देख रहे होंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि ये आपको थोड़ा कठिन भी लग सकते हैं, पर आपको ध्यान से इनको एक एक करके सोल्व करना है और आपको अपनी खुद की एक जांच करनी है कि आपके कितने इस वीडियो में प्रश्न सही हो रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने मौजूद है, निम्न में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते। पूछ रहा है कि स्निपिंग टूल से कौन सा कार्य नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, या फिर ये सभी। और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि स्निपिंग टूल से हम ईमेल अटैचमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन सी जवाब सोचा है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर दो, दूसरा प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से क्या करना चाहिए। भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर दिखाना चाहिए, भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए, या फिर HTTPS और OTP का प्रयोग करना चाहिए। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए, ये नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। CVV नंबर दिखाना चाहिए क्या, ये भी नहीं करना चाहिए। भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए, गलत है, पुष्टि तो करनी चाहिए ना, हमें पता कैसे लगेगा कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। और चौथा है, HTTPS और OTP का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल ये करना चाहिए, HTTPS का और OTP का यूज करना चाहिए एक सुरक्षित वेबसाइट को। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी इनमें से क्या है जिसका यूज आप मोबाइल फोन में नहीं कर सकते। पॉइंट ऑफ सेल, फ्री चार्ज, पेटीएम और स्टेट बैंक बड़ी, यानी SBI बड़ी। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये तीनों तो क्या है, ये तीनों ही मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है, परंतु पॉइंट ऑफ सेल है ये एक मोबाइल वॉलेट नहीं है, ये तो एक मशीन होती है जिसमें हम पेमेंट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से स्वाइप करके देते हैं। तो यहाँ पर आप मोबाइल फोन से जो भुगतान नहीं कर सकते वो पॉइंट ऑफ सेल में नहीं कर सकते। चौथा प्रश्न देखिए, और चौथा प्रश्न बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों का यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपके भी मन में एक प्रश्न होगा कि सर हम बेटर परसेंटेज RSAT की कैसे बना सकते हैं वैकेंसी गुरु से ही पढ़कर। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक अच्छी परसेंटेज और अच्छे नंबर लाना ये एक आसान तरीका है, अगर हम अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस से ये हो पाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कोई भी एग्जाम आप बिना प्रैक्टिस के पास नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार किया है, वो है वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप, ठीक है। आप प्ले स्टोर से वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कंप्लीटली PDF है, आप उनको रेगुलर पढ़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे पढ़ पढ़ के, और ऑनलाइन टेस्ट देकर देखेंगे, तो आपको आपकी एक्चुअल स्थिति का पता लगेगा। जब आप एक बार टेस्ट देंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं, दोबारा देंगे कुछ सुधार होगा, तीसरी बार देंगे और सुधार होगा, तो ऐसा करके आपकी बेटर प्रैक्टिस हो पाएगी और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे, ठीक है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, वैकेंसी प्रो मोबाइल ऐप आपने डाउनलोड नहीं कर तो कर लीजिए और तैयारी करते रहिए। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है, यानी इसमें शिक्षा से संबंधित एक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो कौन सा है। USSD, MOOC, NPTEL या फिर स्वयं। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर शिक्षा से संबंधित पोर्टल जो है वो है MOOC, NPTEL और स्वयं तीनों, पर USSD एक शिक्षा से संबंधित प्लेटफॉर्म नहीं है। पांचवा प्रश्न है, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है, यानी अगर आपने ट्विटर पर अपना अकाउंट बना लिया तो आप क्या क्या कर सकते हो। 140 अक्षरों तक का संदेश भेज सकते हैं, अपने फॉलोअर्स को संदेश रीट्वीट कर सकते हैं, किसी विषय पर हैशटैग बना सकते हैं, और उपरोक्त सभी। आप सबको मालूम होना चाहिए, इजी सा प्रश्न है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। छठा देखिए, एक डॉक्यूमेंट में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए खाली स्थान कुंजी दबाएं। अगर आपको डॉक्यूमेंट में एक नया पैराग्राफ लेना है तो आप कौन सा बटन दबाएंगे। नया पैराग्राफ लेने के लिए दोस्तों हम एंटर बटन दबाते हैं, तो एंटर यहाँ पर ऑप्शन डी में है जो कि सही है। अगला देखिए, सातवां प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल होते हैं। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ईमेल एप्लीकेशन के रूप में काम आता है? तो आपके दिमाग में ऐसा सुनते ही एक क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा जो है सॉफ्टवेयर तो एमएस आउटलुक है। बिल्कुल आपका सही आंसर है एमएस आउटलुक, और इसका प्रयोग ध्यान रखना कैलेंडर के रूप में और कार्य प्रबंधक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां, ये आपको याद होना चाहिए, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? मित्रों वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी यानी ऑप्शन ए आठवें में सही आंसर है। नवा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, ईपीडीएस में पीडीएस का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ईपीडीएस पोर्टल का नाम है, यानी एक वेबसाइट का नाम है इसमें, और एक सरकार की एक योजना का नाम भी है। तो यहां पर पीडीएस का तात्पर्य क्या है, पीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों पीडीएस का पूरा नाम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, अर्थात ऑप्शन सी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हिंदी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। तो नवे में सी आपका आंसर सही रहेगा। दसवां, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है? यानी आपको ये बताना है चार ऑप्शंस में से कौन सा एक सर्च इंजन है जहां पर आप सूचनाएं खोज सकते हैं, गूगल, फायरफॉक्स, फायरवॉल, एंटीवायरस। और इसका सही जवाब है गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है जहां से आप सूचनाएं सर्च कर सकते हैं। ग्यारहवां प्रश्न है विंडोज 10 डेस्कटॉप पर निम्न में से कौन सा नहीं देख सकते? यानी विंडोज 10 के डेस्कटॉप पर हम क्या नहीं देख सकते? प्रारंभ बटन यानी कि स्टार्ट बटन वो तो देख सकते हैं, टास्क बार भी देख सकते हैं, आइकन भी देख सकते हैं, टचपैड नहीं देख सकते। टचपैड तो एक हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर तो अपने लैपटॉप में होता है जो जिसे हम टच करके जो है माउस को चलाते हैं, तो ये वाला डेस्कटॉप पर उपस्थित नहीं होता है, डेस्कटॉप पर हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। बारवा, खालिस्तान एमएस वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या है? यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के साथ बनाई गई डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या है, आपको ये बता रहे हैं। ऑप्शन है वर्कबुक 1, वर्कशीट 1, डॉक्यूमेंट 1 या फिर बुक 1। दोस्तों एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट, और डिफॉल्ट नेम इसका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट 1 होता है। अगला प्रश्न है 13वां, कंट्रोल पैनल में अपीयरेंस और पर्सनलाइज कंप्यूटर सेटिंग से आप क्या कर सकते हो? यानी आपके कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है कंट्रोल पैनल, उसके अंदर एक और ऑप्शन है अपीयरेंस और पर्सनलाइज का, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो? तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की तस्वीरें डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर बदलने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, उपयोगकर्ता को स्क्रीन सेवर बदलने में और अक्षम करने की अनुमति देता है, ये भी सही है। उपयोगकर्ता को स्क्रीन रेजोल्यूशन और कलर की गुणवत्ता को बदलने की अनुमति देता है, ये भी सही है। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। मतलब आप अपीयरेंस और पर्सनलाइज का यूज करके अपनी कंप्यूटर की थीम्स वगैरह में, पिक्चर्स में, कलर्स में, फॉन्ट्स में आदि में बदलाव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 14वां, टेलीविजन प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सा पोर्ट देते हैं? यानी कि कौन से पोर्ट है जो कंप्यूटर और टेलीविजन को एलसीडी से जोड़ने का कार्य करता है? दोस्तों ऐसे दो पोर्ट होते हैं जिनमें दो प्रकार की केबल लगती है, एक होती है वीजीए केबल और एक एचडीएमआई केबल, ठीक है। तो वीजीए और एचडीएमआई दोनों इसका सही जवाब है, अर्थात इस 14वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों विकल्प सही है। 14वां प्रश्न यहाँ पर एक बार रिपीट हुआ है अगेन, इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है? निम्न में से सबसे विकल्प चुनना है, ऑप्टिकल डिस्क कौन सा है? दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क सीडी डीवीडी दोनों को कहते हैं, सीडी भी ऑप्टिकल डिस्क है और डीवीडी भी ऑप्टिकल डिस्क है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 15वां प्रश्न देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यानी बोला जा रहा है यहाँ पर कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो विंडोज 10 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ है। दूसरा है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स वेब ब्राउजर के उदाहरण है, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन एक और ऑप्शन दो दोनों ही सही है। 16वां, एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव यानी फॉन्ट इफेक्ट का उपयोग क्या है? दोस्तों
मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्राइक थ्रू जो ऑप्शन है वो होता है, जैसे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको बीच में से ऐसे काटना है, तो इसके लिए हम स्ट्राइक करेंगे इसके बीच में, स्ट्राइक थ्रू। तो यह क्या करता है, चयनित टेक्स्ट के मध्य में एक रेखा खींच देता है, लाइन खींच देता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ऊपर लाइन खींचता है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, चयनित टेक्स्ट के बीच में लाइन खींचता है, बिल्कुल सही है, नीचे नहीं खींचता, बेस लाइन में नहीं खींचता। तो ऑप्शन बी 16वें में बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए 17वां प्रश्न, निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है, यानी सबसे कम भंडारण क्षमता किसकी है चार ऑप्शंस में से, फ्लॉपी डिस्क की, सीडी की, डीवीडी की और हार्ड डिस्क की। और दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है सीडी। सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी 650 MB होती है, मतलब और डीवीडी की अपनी जो होती है वो होती है आपकी 4.7 GB से 17 GB, ठीक है। और अपनी हार्ड डिस्क की होती है 1 TB और इससे भी ज्यादा, और फ्लोपी डिस्क जो होती है इसकी होती है 1.44 MB। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो रहेगा वो सीडी नहीं रह के रह क्या रह जाएगा, फ्लोपी डिस्क हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों की तो कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से गलती से मार्क किया था, वो गलत है, फ्लोपी डिस्क का आपको आंसर देना है इसका, क्योंकि फ्लोपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB ही होती है। 18वां प्रश्न है, आप एंड्रॉइड फोन पर एक ऐप को किसके द्वारा इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब आप अपने मोबाइल फोन में एक ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं जो कि एंड्रॉइड है, कहां से कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से, गूगल तेज से, RSRT से या फिर IRCTC से। और इसका सही जवाब है दोस्तों गूगल प्ले, गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। 19वां प्रश्न है, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है, दोस्तों कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या 12 होती है, ये ध्यान रखना, फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक 12 संख्या होती है। 20वां प्रश्न दोस्तों, 20वां प्रश्न है, माउस क्या है, इनपुट आउटपुट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका सही जवाब है दोस्तों माउस एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, क्या होता है, इनपुट डिवाइस। ऐसे करके इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न जाने, 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके बताएं। और दोस्तों एक बात और आप बताएं कि आपने वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करके टेस्ट दिए कि नहीं दिए, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसी प्रकार तैयारी करते रहिए। गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।